मान लीजिए आप एक एप्लीकेंट है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट जैसे हम जानते हैं आज की डेट में उनका सी आर एस कम है उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें कैसे इमिग्रेशन आएगा कैनेडा जाने का ड्रीम है अब क्या करना चाहिए क्या स्टेप्स होने चाहिए तो आज इस वीडियो में मैं वो आपको क्लियर करने वाला हूँ आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या किया जा सकता है इन स्टेप्स में से अगर आप कोई स्टेप्स फॉलो करते हैं और आपका उससे काम बनता है तो यू नो दिस कैन बी अ फ्रूटफुल वीडियो फॉर यू छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं लेट्स से एक कंडीशन ये समझते हैं कि लेट्स से इफ़ यू आर एन कैंडिडेट हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द कनेडियन इमिग्रेशन आपने अपना सारा आइल्स कंप्लीट कर लिया आपने अपना वेस्ट करवा लिया आपने सब कुछ कर लिया आपने अपना केस फाइल कर दिया आपको पता चला आपका सी टोटल बन के आया फोर लेट्स से आपका फोर के अराउंड आपका सी आता है और आपको पता चलता है कि जस्ट बिकॉज बिकॉज ऑफ़ समर नॉट एबल टू गेट द कनेडियन इमिग्रेशन टर्न आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उस केस में आप क्या कर सकते हैं इन इस केस में आपके पास कुछ वे आउट हैं जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं लेट्स से द फर्स्ट वे आउट ट्राई टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज प्रोफिशंसी बिकॉज लैंग्वेज टेस्ट जैसे आप मान लीजिए आइल्स हो गया सेल्प हो गया या फ्रेंच का जो टेस्ट होता है आप वो दे सकते हैं बिकॉज एडिशनल लैंग्वेज अगर आप इंक्लूड करते हैं तो उसके ऑफकोर्स पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं उस केस में आप एडिशनल लैंग्वेज प्रोफेशन से पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं या अगर आपने आइल्स दिया है तो उसमें अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आपके जो भी पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है जो गैप रह रहा है वो इम्प्रूव हो जाएगा और इसके थ्रू आप अपना कैनेडा का इमिग्रेशन ईजीली ले सकते हैं आपको इन्विटेशन आ सकता है अनदर फैक्टर विच यू कैन वर्क ऑन इज समथिंग कॉल्ड एजुकेशन मान लीजिए कि आप एक कैंडिडेट हैं जिसने ऑलरेडी यू नो बैचलर्स किया हुआ है एक साथ में कोई मास्टर्स uh, का डिप्लोमा किया हुआ है इस केस में लेट्स से इफ यू गेट इन द मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आप अपना मास्टर्स अचीव करेंगे अचीव करने के बाद आपको डिग्री अवार्ड होगा ऑफ कोर्स उस केस में जब आप मास्टर्स डिग्री लगाएंगे तो आपको पॉइंट्स बढ़ेंगे आपको पॉइंट्स बढ़ जाता है ऑलवेज इट इज़ एडवाइजबल कि अगर आप लॉन्ग रन सोचें तो ऑफकोर्स एजुकेशन ऑलवेज़ हेल्प आप इवन कैनेडा जब चले भी जाएंगे उसके बाद भी आपको एजुकेशन काफ़ी हेल्प करता है तो इनकेस अगर आपका इंटरेस्ट है कैनेडा में इमिग्रेशन लेने का जस्ट बिकॉज अभी आपके पॉइंट्स कम बन रहे हैं तो आप एजुकेशन को भी सोच सकते हैं एजुकेशन कैन हैपन फ्राम टू प्लेसिस लाइक अगर आप अपनी होम कंट्री में वहाँ से भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव फंड एंड इफ़ यू इफ अगर आपका केस अलाउ करता है अगर आपकी सही एज है सब कुछ सही है उस केस में आप एजुकेशन कैनेडा से भी गेन कर सकते हैं अगर आप कैनेडा से एजुकेशन गेन करते हैं ऑफकोर्स इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ बेनिफिट्स वहाँ से आपके पी आर और रेजिडेंसी के जो Uh, रस्ते हैं जो आपके वे हैं वो बहुत सारे ओपन हो जाते हैं सो so, अगर आपके पास रिसोर्स हैं अगर आपका केस सही है अगर आपकी एज एक प्रॉपर उसमें है कि आप आराम से आपका एजुकेशन वीज़ा आ सकता है तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल टू गो फॉर एजुकेशन इन कैनडा अनदर फैक्टर विच यू कैन वर्क ऑन इज इक्स वर्क एक्सपीरियंस लेट्स से अगर आप किसी कंपनी में हैं आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और आपने अपना इमिग्रेशन केस फाइल किया हुआ है इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल नेवर टू लीव अ जॉब ऑलवेज कंटिन्यू वर्किंग बिकॉज जितने ईयर्स आप वर्क करते रहेंगे उतने सेट ऑफ एक्सपीरियंस आपका गेन होता जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपके पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके पास वन और टू ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपको एक सर्टन पॉइंट्स अवॉर्ड होते हैं द मोमेंट यू कंप्लीट योर थ्री ईयर्स एकपीरियंस आपका पॉइंट्स बहुत अच्छे शूट करते हैं उसके बाद आप जैसे ही फाइव और सिक्स ईयर के एक्सपीरियंस पे आते हैं और पॉइंट्स शूट करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव मोर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जैसे ही आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो अफकोर्स द चांसेस ऑफ गेटिंग द रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स टू नॉमिनेशन ऑल्सो इनक्रीज इसके साथ अफकोर्स ये एक एक्सपर्ट्स की ऑलवेज आपको एक एडवाइस रहती है कि डू इवन एक्सप्लोर द ऑल्टरनेटिव इमिग्रेशन प्रोग्राम्स फ़ॉर एग्जाम्पल अगर आप कैनेडा में अपना ड्रीम रखते हैं दैट यू वॉन्ट टू सेटल इन कैनेडा उस केस में आपके पास एक वे आउट ये होता है कि आप अपना रेजिडेंसी से आपको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर बहुत हाई जा रहा है आपको समझ आ रहा है कि आपका वहाँ से काम नहीं हो सकता या आपका पॉइंट्स थोड़े से कम है उस केस में आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स पी देख सकते हैं या ऑल्टरनेटिव इमिग्रेशन प्रोग्राम लाइक ए आई या कोई स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप इन प्रोग्राम्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रोविसेज में पी लेने के कुछ वेज अपने वेज होते हैं उनकी कुछ अपनी सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं उनकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको वो रिक्वायरमेंट्स ये देखनी है आपकी आपके जो प्रोफाइल के हिसाब से कौन से प्रोविंस में वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है आप वहाँ पर अपने उस नेसेसरी प्रोविंसेस में आप अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं आपको पहले वहां के क्वालिफिकेशन फैक्टर्स को चेक करना होगा इन केस इफ एवरी थिंग गोज वेल देस हंड्रेड पॉइंट्स फ्रॉम दैट प्रोविशल नॉमिनी प्रोग्राम क्योंकि आपको वहां से 600 पॉइंट्स का सर्टिफिकेशन मिलता है और उसके थ्रू आप आपने एक्सप्रेस एंट्री स्कोर्स में उसको अपडेट करके आपका नेक्स्ट ड्रॉ में इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाता है वी हैव टॉक्ट अबाउट द स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड यू कैन एक्सप्लोर एन ऑप्शन ऑफ एल एम आई ए लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट ये होता क्या है मान लीजिए आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं कैनेडा में सेटल होने का आपका ड्रीम है आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में हैं आपको दिख रहा है कि आपका स्कोर उतना ज़्यादा नहीं है बट आपका स्किल सेट बहुत ही अच्छा है लेट्स से आप मान लीजिए आप एक डेटा एनालिस्ट हैं डेटा साइंटिस्ट हैं आपको बहुत अच्छा आपको अपने काम में बहुत अच्छा है आपने रिकार्ड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन ले रखे हैं आपने उससे रिलेटेड आपने एजुकेशन कर रखी हैं इस केस में आप कैनेडियन एम्प्लॉयर्स के पास अपना एप्लीकेशन फॉर द जॉब प्रोसीड कर सकते हैं ऑफ कोर्स आपके इंटरव्यूज़ होंगे मल्टीपल लेवल पे इंटरव्यूज लिए जाएंगे आप दोनों को आपस में उनको लगता है कि एक आप सही रिसोर्स हैं हायर करने के लिए और आपको लगता है ये कंपनी बहुत अच्छी है आपकी ग्रोथ के लिए जब दोनों की तरफ से एक यस yes होता है एम्प्लॉयर आपको एक ऑफर लेटर इशू करता है और कनेडियन ई डिपार्टमेंट में जाके एक स्पॉन्सरशिप फाइल करता है दैट द एम्प्लॉयर लाइक्स यू एंड द एम्प्लॉयर वॉन्ट्स यू टू कम टू कैनेडा एंड वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर उस उसको कहते हैं लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट जिसमें उसको ये प्रूव करना होता है कि उसने कैनेडा में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया बट आप उसको ज़्यादा पसंद आए आपके अकॉर्डिंगली उसकी टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर फुलफिल हो रही है एंड द एम्प्लॉयर फंड्स टू स्पॉन्सर यू टू कम टू कैनेडा एंड वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर उस एल के भी अलग से स्पेसिफिकली पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपकी पी जो आनी है उसमें और आपके जो स्कोर्स हैं सी में तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है उस केस में एल से वो पॉइंट्स कवर हो जाते हैं इन केस अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो आप पहले वर्क परमिट पे वहाँ जाते हैं उस एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं कनेडियन एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रेजिडेंस एप्लीकेशन लगा सकते हैं एल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों का काम कनाडा इमिग्रेशन का हो रहा है ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है एक्सटेंसिव है एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा सा इसमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है बट अगर आपको ये मिल जाए ऑल दो इट इज नॉट ईजी टू गो आई नो दैट ये इतना ईजी नहीं है ये काम करना बट अगर आपको कोई एम्प्लॉयर ऐसा मिल जाए जो एक पॉजिटिव एल एम आई ये आपको देने के लिए रेडी हो जाए देन अफकोर्स गेटिंग ए कनेडियन इमिग्रेशन विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट टास्क एक फैक्टर हम इसमें और काउंट कर सकते हैं लेट्स से आपने कनाडा इमिग्रेशन अप्लाई किया था आपने एक साल वेट किया टू इयर्स वेट किया आपको दिखा कि आपका काम नहीं बन रहा बाय द टाइम यूजली लेट से आपका एज है आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है एंड यू गेट मैरिड उस केस में आपको स्पाउस के भी पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप अपना स्पाउस का एलिजिबिलिटी फैक्टर काउंट करवाएं अगर वो एक अच्छे पढ़े लिखे स्पाउस हैं आपके साथ में आइल्स दे सकते हैं उनके पास अच्छी एजुकेशन है उनके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है उसके भी एडिशनल पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं अफकोर्स आपकी फ़ाइल में बेनिफिट करते हैं और आपके चांसेस ऑफ गेटिंग ए कनेडियन इमिग्रेशन बढ़ जाता है कई बार ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि सर मैं अप्लाई करके बैठा हुआ हूँ मेरा स्कोर भी थोड़ा बहुत हाई है बट क्योंकि स्कोर्स इस टाइम कैनेडा इमिग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस एंट्री के हाई चल रहे हैं मेरा इमिग्रेशन नहीं आ रहा आई नो दिस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग इस केस में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इमिग्रेशन कैनेडा में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज थोड़ा सा फ्रूटफुल है काफ़ी अच्छे लॉज हैं और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है जस्ट यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी परसिस्टेंट इनफ दैट यू नीड टू मेक एन अप्लीकेशन आपको अपनी प्रोफाइल को इंटैक्ट रखना है अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली ट्रूथफुल उनको डिक्लेयर करना है आइल्स कोर की जो वैलिडिटी होती है टू ईयर्स की होती है अगर आपको लग रहा है कि आपका आइल्स एक्सपायर होने वाला है तो उसको आइल्स को रिन्यू करवाइए आप अपना आयल्स एग्जाम दोबारा दीजिए उसको रिन्यू रखिए उसको अपनी फाइल को हमेशा इंटैक्ट रखिए यू नेवर नो कि कब कहाँ कोई भी हो सकता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन से आपको नॉमिनेशन आ सकता है लाइक अल्बर्टा अल्बर्टा क्या करता है अगर आपने देखा हो तो अल्बर्टा ने काफ़ी सारे ड्रॉज़ दिए निकाले हैं जो 301 हंड्रेड के आसपास निकाले हैं इस केस में जिन लोगों को भी नॉमिनेशन आया ऑफकोर्स थ्री हंड्रेड वन स्कोर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऑफकोर्स यही हमारी एडवाइस होती है कि हमेशा अपने अगर आप कैनेडा में इमिग्रेट होने का एक ड्रीम रखते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी प्रोफाइल को इंटैक्ट रखें क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपका कहाँ पर कौन से भी प्रोविंस से नॉमिनेशन आ सकता है इसके बियॉन्ड आपको अपने केस से रिलेटेड कोई भी एक स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए या किसी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसमें आपका कनाडा का इमिग्रेशन अप्रूव हो जाए इस केस में वी ऑलवेज़ एडवाइज़ टू टेक एडिशनल हेल्प किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए वो क्या पता आपको कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव निकाल के दे सके जिससे आपका इमिग्रेशन का जो जर्नी है वो ईजी हो जाए एंड वी ऑलवेज़ एडवाइज़ इन केस इफ़ यू आर नॉट वेल इक्विप्ड इनफ to file for the immigration program always go ahead with the external help because that will at least give you a peace of your mind that you will get your things done i think ab aapko ek आइडिया लग गया होगा आपको समझ आ गया होगा कि अगर मेरा CRS low एस लो भी है तो मुझे कैनेडा में इमिग्रेशन लेने के क्या वे आउट है अब ये आपको समझना है कि आप किस फैक्टर पे वर्क कर सकते हैं क्या कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना नॉमिनेशन ले सकते हैं इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन आई ड्रॉ माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन द डिस्क्रिप्शन बिलो यू कैन आस्क अस वी रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू अर चैनल दैट इज चैनल एमिनेंस डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द प्रॉपर हेल्प थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग